हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों को अपने चैनल NRST साइंस सेंटर में स्वागत करते हैं। आज साइंस का दूसरा भाग है, इससे पहला भाग भी अपलोड कर दिया गया, उसको आप देख लीजिएगा और वहीं से जो है आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अगला भाग में जो है थोड़ा दिक्कत हो गया था, लाइट कट जाने की वजह से उसमें सही क्लास नहीं ले पाए। उसमें आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। और थोड़ा सा इसमें है कि एक दिन दो दिन लेट भी हो जाता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको फुल कोर्स इस चैनल पर दिया जाएगा। बस एक विश्वास कीजिएगा और विश्वास के साथ अपना मेहनत करते चलिए और साथ ही साथ जो पढ़ाए उसका नोट्स भी बनाते चलिए। वरना जो वीडियो अपलोड किए थे इससे पहले उसमें कुछ जो है छूट गया था, उसको कुछ प्रगति कर लेते हैं, इसमें थोड़ा उसको रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या है, ये स्रोत क्या है, आप इसे आप क्या समझते हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले प्रकाश क्या है उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। प्रकाश, प्रकाश की ऊर्जा का वे स्रोत जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि बिना प्रकाश को किसी वस्तु को देख पाना असंभव है। और प्रकाश अदृश्य रहता है, ये किसी को नज़र नहीं आता है, और ये सिर्फ जो है दूसरे वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। और ये एक अनुप्रस्थ तरंग भी है, इसे एक अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। इसका चाल, प्रकाश का चाल 3×10^8 ms होता है। किलो, 1 किलोमीटर में बोलिएगा तो 10^3×10^5 ms होता है। आप लोग जब इस प्रकाश के बारे में इससे पहला वाला वीडियो में अच्छा डिटेल से बताया गया, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं। बताया गया है प्रकाश का स्रोत भी, लेकिन उसको हम सही से उसमें नहीं बता पाए, जिसके कारण जो है स्रोत से ही इस वीडियो में भी शुरुआत करते हैं। प्रकाश का स्रोत क्या है? अब यहाँ पर देखते हैं प्रकाश का स्रोत, उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, प्रकाश जिस बिंदु या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से दो स्रोत हम लोगों को देखा जाता है, एक देखा जाता है प्राकृत, दूसरा देखा जाता है कृत्रिम। प्राकृत में आ जाता है सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये सब प्राकृत में आ जाता है। कृत्रिम जैसे हो गया मोमबत्ती, बिजली का बल्ब, टॉर्च इत्यादि। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के स्रोत में विभिन्न ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के स्रोत में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है। आप लोग यहाँ तक नोट्स कर लीजिए, उसके बाद जो फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या है? अब प्रदीप्त के बारे में चर्चा करते हैं। प्रदीप्त बोलेंगे हम, देखिएगा, जो वस्तु या पदार्थ प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे हमें सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। अब आगे देखते हैं, आगे वाला हम चलिए, आगे आ जाता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त में बोलेंगे वे वस्तु या पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करके वो दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखते हैं वे वस्तु या पदार्थ जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि यह किसी दूसरे के प्रकाश को परावर्तित कर दिखाई देता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी की यदि बात करें तो क्या ये आपको बिना लाइट के दिखाई पड़ता है, या रात में अंधेरे में आप इसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है किसी दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देता है,
इसीलिए इसे उपर्दीप्त वस्तु कहते हैं। एक चीज नोट्स में ध्यान रखिए, चंद्रमा एक प्रकार का उपर्दीप्त वस्तु है क्योंकि यह भी प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जी हाँ, कि चंद्रमा जो है इसके पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, ये दूसरे के प्रकाश को परावर्तित करता है। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इसीलिए चंद्रमा दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आप नोट्स कर लीजिएगा, उसके बाद इसके आगे चलते हैं। किरण, किरण क्या है, किरण के बारे में आप समझते हैं। किरण आपको बताए थे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में चंद्र प्रकाश के दिशा को किरण कहते हैं। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा किरण। एक सीधी रेखा में चंद्र प्रकाश की दिशा को किरण कहते हैं। एक अब आगे देखते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज किसको बोलेंगे, तो किरण पुंज बोलेंगे किरणों के समूह को। एक साथ बहुत सारे किरण गमन करता है तो उसको किरण पुंज बोला जाता है। तब किरण पुंज लिखते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज, किरण पुंज के प्रकार देखते हैं। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज का प्रकार, किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हो गया समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। आप लोग यहाँ तक नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या है, कि वे किरण पुंज जो कि एक दूसरे के समांतर होती है। ये आगे देखते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहें। अपसारी किरण पुंज, अप मतलब होता है जाना, तो हो गया आप सारी, आप मतलब जाना और सारी मतलब की बहुत सारा मतलब। वे किरण पुंज जो कि एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए लिखते हैं, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट्स कर लीजिए, उसके बाद आगे चल। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। अभी मतलब हुआ आना, आप मतलब बताए थे जाना और अभी का मतलब होता है आना। तो वे किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आ करके एक बिंदु पर जमा हो जाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए देखते हैं, वे किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर जमा हो जाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आज यहीं तक रखते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आगे जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुँच जाए। और आप जो है आराम से तैयारी कीजिए, आ जाए।